समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 8 जून को एक ट्वीट किया। ट्वीट क्या किया आप भी जानिए। जन आक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा की कि टीके वो लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे। टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। अत्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अत्विक की उम्मीद बने। इधर ये ट्वीट आया और उधर लोगों ने आर्काइव खंगालना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जनवरी में जब कोविड वैक्सीन नई नई आई थी तो अखिलेश भैया ने कहा था कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है, उन्हें इस पर भरोसा नहीं है। उस वक्त अखिलेश यादव ने जो कहा था वो हम दोहरा देते हैं। उन्होंने कहा, वैक्सीन की क्या जरूरत है, हम बिना मास्क के बैठे हुए हैं यहाँ। वो यानी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी छुपा रही है इसकी आड़ में। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगा रही है, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अपनी सरकार आएगी तो सबको फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तब अखिलेश के इस बयान की काफी आलोचना भी हुई थी, खासकर बीजेपी नेताओं की तरफ से। केशव प्रसाद मौर्य ने इसे देश के वैज्ञानिकों का अपमान बताया था, तो अनुराग ठाकुर ने कहा था कि एक युवा नेता का इस तरह का बयान देना ये बताता है कि अखिलेश राजनीति से ऊपर उठकर नहीं सोच पाते। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अखिलेश के सुर बदल गए थे, वह बीजेपी सरकार से सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगवाने की मांग करने लगे थे। लेकिन इधर 7 जून को एक फोटो सुर्खियों में आई जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव वैक्सीन लगवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश ही उन्हें वैक्सीन लगवाने ले गए थे। सपा ने ये फोटो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर भी की थी और साथ में ये लिखा था, समाजवादी पार्टी के संरक्षण आदरणीय नेताजी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में लगवाया टीका। सरकारी विज्ञापनों के बोझ तले दबकर सरकार की बद इंतजामी से जनता पहले ऑक्सीजन बेड और अब टीके के लिए जूझ रही है। जनता के सवाल ना उठाकर भाजपाई प्रोपेगेंडा रचने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। ये फोटो सामने आने के बाद अखिलेश का जनवरी वाला बयान निकालकर चुटकी ली जाने लगी कि साहब, एक तरफ बेटा कहता है वैक्सीन पर भरोसा नहीं है और दूसरी तरफ पिता वैक्सीन लगवा रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो अखिलेश पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग भी कर दी है। इसी के अगले दिन अखिलेश का बयान आ गया कि अब उनको भी वैक्सीन पर एतबार है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।